हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी पुत्रोड़ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक हो, आपकी फैमिली में सब ठीक हो, सब कुशल मंगल हो। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरी तरफ से आपके पूरे परिवार को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी अपना आशीर्वाद आप सब पर बनाए रखे, जिनके काम नहीं हो रहे उनके बिगड़े काम बना दे। तो आज मैं लेने वाली हूँ नवरात्रि का फर्स्ट डे, फर्स्ट लुक। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे, पसंद आए, तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ में। तो मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी हिमालय का बेबी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मुझे ये वाला ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है फेस की, बच्चों की स्किन जैसे। तो इसीलिए हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। बाकी बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र है मार्केट में, बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा से यही वाला यूज़। अगर आप में से किसी की भी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही स्किन स्मूथ फीलिंग होती है। तो मैं हमेशा ही बेबी वाले ही लोशन यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, तो मुझे काफ़ी इसमें फ़र्क भी लगता है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मैं डेली उसमें घर में यही यूज़ करती हूँ, तो आप भी यूज़ करके देखिए। मैं हमेशा अपने हाथों की सिर्फ दो उंगलियों से अपने फेस की अच्छे से मसाज करती हूँ, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। अभी मेरा फेस विदाउट मेकअप है, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी बाकी सूना सूना है। अगर काजल वगैरह लगा लेते हैं तो काफी फेस में अंतर आ जाता है, जैसे काजल लगाना, बिंदी लगाना, मांग भरना, लिपस्टिक लगाती हूँ, इतने में बहुत कुछ फर्क दिख जाता है मेरी स्किन पर। तो अभी पूरा मेकअप देखते हैं। तो अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, मेरे पास है लैक्मे का प्राइमर, मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे। लैक्मे के सारे प्रोडक्ट मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा प्राइमर नहीं यूज़ करना है, तो मैं बस थोड़ा सा ही प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी बस आपको आपके फेस पे हल्के हल्के से रब करना है। इसको भी मेकअप करवाना है लगता है आज। आ जाओ, तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। आ जाओ। ये कंटिन्यू कैमरे में ही आना चाहती है, फेमस होना चाहती है बटरफ्लाई। कैमरे के आगे ही आना है, तो मैं इसे रहने दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि ये मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और जब हम प्राइमर के बाद में फाउंडेशन या फिर कंसीलर लगाते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाता है, जिससे हमारी अंदर से स्किन डैमेज नहीं होती। इसलिए पहले मॉइस्चराइजर करना चाहिए स्किन को अच्छे से, उसके बाद में प्राइमर लगाना चाहिए, उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई सा भी फाउंडेशन, जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आपका शेड है, वो यूज़ करना चाहिए। मेरे पास लैक्मे का फाउंडेशन है, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ये मेरा एक सेट गलत आ गया था गलती से। एक्चुअली जो सेट मैंने पसंद किया था, वो सेट ना रख के शॉप वाले ने ये वाला सेट रख दिया था, तो ये मेरा एक ज़्यादा आ गया था, थोड़ा डार्क कलर आ गया, तो मैं इसको मिक्स करके यूज़ करती हूँ हमेशा। इसमें से थोड़ा सा फाउंडेशन ले लिया, अब मैं थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करूँगी जो मेरी सेट का है, उतना का थोड़ा सा हाईलाइटर डालूँगी। अगर गलती से आपके साथ भी मेरे जैसा होता है और आपका सेट गलत आ जाता है फाउंडेशन का, तो आप उसको घर पे भी रेडी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अक्सर फाउंडेशन से फेस पाउडर मिक्स करके अपना सेट बना लेती हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपना पूरा फाउंडेशन अच्छे से डिप डिप कर रही हूँ। अब जितना डिप डिप करेंगी उतना ही आपका मेकअप निखर के आएगा। ब्यूटी ब्लेंडर से अक्सर ऐसा होता है कि फाउंडेशन बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रा सा ट्राई कीजिएगा यार। और आगे आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मनीष मल्होत्रा का हाईलाइटर एंड ब्लशर, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताती हूँ मैं हाईलाइटर कौन सा यूज़ करती हूँ। मैं करती
करती हूँ लेकमे के आई शेडो प्लेट का हाईलाइटर यूज़। इसमें गोल्डन है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा इसे ही अपने हाईलाइटर के लिए यूज़ करती हूँ। देखो मेरी नोज़ कितनी चमक रही है। मुझे खुद को भी अच्छे से मेकअप नहीं आता। मैंने भी मेकअप करना यूट्यूब से ही सीखा था। आप भी यूट्यूब से मेकअप करना सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सैलून जाना ज़रूरी नहीं होता। मैंने तो जो भी सीखा यूट्यूब और फेसबुक से ही सीखा है। अगर आप भी मेरी तरह फेसबुक और यूट्यूब से मेकअप सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ लेकमे की आई शेडो प्लेट यूज़। मैं आई शेडो प्लेट बहुत ही अच्छे लेकमे की, थोड़ी सी कॉस्टली होती है बट बहुत ही अच्छी होती है। और मेरे पास ब्रश है रहने के सारे ब्रश मेरे पास है, 12 ब्रश है रहने के मेरे पास, और सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। इतना अच्छा ब्लेंड होता है इस ब्रश से कि वाह क्या मस्त वाला। तो अगर आप लोगों को अगर ब्रश परचेज़ करने हैं तो ये ब्रश मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किए थे, आप लोग भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बस आपको सर्च में रहने लिखना है तो आ जाएगा। मैंने बहुत लाइट कलर थोड़ा सा यूज़ किया था, इसमें थोड़ा डार्क लग रहा है। अब इसमें मैं गोल्डन वाला कलर यूज़ कर लूँगी। गोल्डन आई शेडो यूज़ करने के लिए थोड़ा सा ये क्या है ना, मेरी साड़ी में थोड़ा गोल्डन गोल्डन फ्रिल लगी हुई है तो उसकी वजह से थोड़े से मेरे लुक अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने गोल्डन वाला यूज़ करा। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ लेकमे का आईलाइनर, बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा टाइम तक चलता है। अगर आप फेस वॉश भी करोगे ना तो बहुत जल्दी रिमूव नहीं होता है। मुझे हमेशा मेकअप रिमूवर यूज़ करना पड़ता है इसको हटाने के लिए। बहुत ही चीठा है ये, अपनी भाषा में निकलता नहीं जल्दी। तो बहुत ही अच्छा लुक आया लेकमे का आईलाइनर, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो मैं पर्पल ऐप से सारे प्रोडक्ट परचेस करती हूँ। मैं एक ही बार मॉल गई थी, मैं अपने सेट बना के प्रोडक्ट लेके आ गई थी कि कौन से प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए उसके बाद से मैं पर्पल से ही सारे प्रोडक्ट सर्च करके वहीं से परचेस कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर लेकमे का ही काजल यूज़ कर रही हूँ, इसका बहुत ही डार्क शेड है। आप सभी पूछते हैं मेरे से कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने फॉरेवर 52 का आई शेडो प्लेट यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा है, 4 कलर है इसमें। अगर आपके जो भी आपके आईब्रो से शेड होता है मैच, वो वाला शेड आप यूज़ करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा से फॉरेवर 52 के ही प्रोडक्ट आई शेडो के लिए तो मैं यही यूज़ करती आई हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले भी यही था और अभी भी यही है। मेरी पहली प्लेट ख़त्म हो गई थी तो मैं अभी न्यू लेके आई है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप परचेस कर सकते हो पर्पल ऐप से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम सिर्फ बताने का है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग वहाँ से परचेस कर लेना। बहुत ही अच्छा है, आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। बाय द वे आपकी मर्जी, आप कहाँ से परचेस करते हो, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। तो मैं यहाँ पे बिंदी लगा रही हूँ, पहले मैं बड़ी बिंदी लगा रही हूँ, मैंने इससे भी बड़ी वाली बिंदी निकाली थी कि बहुत अच्छा लुक आएगा, बट मुझे थोड़ी सी शर्म सी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा बड़ी बिंदी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने सोचा 2 बिंदी लगा लेती हूँ, बड़ी बिंदी के नीचे छोटी बिंदी लगा लेती हूँ। अब मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ सुगर पॉप का, एक सुगर है ब्रांड, उसकी लिपस्टिक मुझे अच्छी लगी, बट ये सुगर पॉप की है। ये वाली लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है, और आप कुछ खाओ पियोगे ना तब भी ये निकलने वाली नहीं है। और इसका शेड 2 है, शेड नंबर 2 है इसका। अगर आप लोगों को परचेस करनी तो ये भी पर्पल भी मिल जाएगी, आप परचेस कर सकते हैं वहाँ से। मेरे सारे प्रोडक्ट मैं वहीं से परचेस करती हूँ, तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप परचेस कर सकते हो। पर्पल एड का मैं लिंक नीचे डाल दूँगी अगर आप लोगों को परचेस करना हो तो। बाय द वे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आपकी मर्जी आप कहाँ से परचेस करते हो और कहाँ से नहीं करते हो। तो अभी तक तो बहुत अच्छा लुक आया मेरा, आप देख सकते हो। मेकअप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो अच्छी बात है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ा सा काजल डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डार्क काजल बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग मेरी वीडियो में देखते हो, पूछते हो कि दीदी आप कौन सा काजल यूज़ करते हो, तो मैं सारा लेकमे का काजल यूज़ करती हूँ। मुझे लेकमे का काजल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पर मस्कारा मेबलिन कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी आईलेसेस दिखती ही नहीं है, बिल्कुल बारीक है, तो
तो इसको बहुत ही अच्छे से अप्लाई आप करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ही ना, आपको आईलेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी आईलेसेस नहीं लगाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हैवी हैवी से आँखें लगती हैं मुझे, ऐसे लगती है मैंने आँखों के ऊपर कुछ लटका रखा है, पॉलीथिन वगैरह, मुझे ऐसा फील होता है। तो अगर आपको भी करना हो ये वाला प्रोडक्ट यूज़ तो करके देखिए। यूज़ करूँगी लैक्मे का सेटिंग स्प्रे, अब मैं नेक को कवर करूँगी रेडी होने के बाद में, ब्लाउज़ पहनने के बाद में, क्योंकि अभी पता नहीं ना छोटा सा गला खुला हुआ है, नेक में ब्लाउज़ के नेक में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मैं इसको बाद में कवर करूँगी। तो आज मैं करूँगी ये वाली ज्वेलरी वेयर, ये मुझे इंस्टा के एक पेज से रिसीव हुई है। अगर आप लोग भी ये वाली ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पिंकी फतरोड, तो आप वहाँ से, वहाँ पे मैं आईडी मेंशन करूँगी वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, सच ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। तो ये ज्वेलरी मुझे इंस्टा के एक पेज से रिसीव हुई है, और बहुत ही सुंदर कंगन भी मुझे इंस्टा के एक पेज से रिसीव हुई है, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर है, इस पर मोर की डिज़ाइन बनी हुई है। अगर आप लोगों को ये परचेज़ करना है, और ये साड़ी का भी अभी मैं आपको फुल रिवील दूंगी, ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं थी इसका ब्लाउज रेडी करवाने का, क्योंकि करवा चौथ स्पेशल साड़ी है। तो अगर आप लोगों को ये तीनों चीज़ें परचेज़ करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी पे आइए, वहाँ पे आप लोगों को सारे इनके लिंक मिल जाएंगे, ज्वेलरी का भी, कंगन का भी और साड़ी का भी। तो मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाती हूँ। तो इंस्टाग्राम के पेज से मुझे बहुत ही सुंदर कंगन रिसीव हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पार्सल ओपन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कंगन कैसे हैं। तो आप लोग दिखा रही हूँ मैं, ये कंगन मोर की डिज़ाइन के, और बहुत ही सुंदर कंगन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें मोर डिज़ाइन बनी हुई है और वाइट वाले मोती लगे हुए हैं बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर वाला कंगन मिला है मुझे। तो अगर आप लोगों को ये कंगन परचेज करने हैं तो मेरे इंस्टा आईडी को। ये रहा आज मेरा नवरात्रि का फर्स्ट डे का फर्स्ट लुक, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरा मेकअप अगर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।